अस्सलाम वालेकुम तलहा की YouTube फैमिली, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्ती रमज़ान स्पेशल इमली खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी लेकर आया हूँ। बहुत ही क्विक और इंस्टेंट बन जाती है, तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये जो है वो मैंने इमली का गाढ़ा गाढ़ा पल्प, मैंने जो है वो 200 ग्राम इमली ली थी, उसको तकरीबन 2.5 कप पानी में जो है वो भिगो के रख दिया था। और ये इस वक्त मेरे पास जो है वो 650 ml, जब मैंने इमली को बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा उसका पल्प निकाल लिया, उसके सारे पीचेस, उसके सारा जितने भी तिनके वगैरह थे उसमें से डिस्कार्ड कर दिए, तो ये इसका जो है वो एकदम थिक पल्प निकल कर आया। अब तकरीबन जो है वो उसको मैं मेजर करता हूँ और अपने दूसरे सॉस पैन में जो है वो मैं अपना इस इमली के पल्प को ट्रांसफर, सॉस पैन है इसमें मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और ये मैं मेजर करता हूँ आपके सामने। ये देखें, ये 1 कप, ये 2 कप, ये 3 कप जो है वो मेरे पास गाढ़ा गाढ़ा ये इमली का पल्प है। अच्छा, ये 3 कप पल्प जब हमने इमली का इसमें शामिल कर दिया, तो साथ ही में मैं इसमें 1 कप पानी और शामिल कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा जो है वो लिक्विड ही हो जाए। अब इसी के साथ जो है वो मैंने चूल्हा जला दिया और उसको पकाना स्टार्ट किया। साथ ही में मेरे पास यहाँ पर जो है वो 175 ग्राम गुड़ है, तकरीबन जो है वो 3/4 कप गुड़। आप गुड़ किसी भी क्वालिटी का ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, या फिर अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसमें ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये गुड़ जो है वो मैं पूरा इसमें शामिल कर दूंगा, पीसेस करके शामिल कीजिएगा ताकि जो है वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाए। अच्छा जी, जब तक जो है वो हमारे ये इमली के पानी को जोश आ रहा है जिसके अंदर हमने गुड़ शामिल कर दिया था, मैं आपको स्पाइसेस की बताता चलूँ। ये मेरे पास सॉल्ट है, सबसे पहले 1/2 टीस्पून, ये काला नमक है यानी कि ब्लैक सॉल्ट, ये भी 1/2 टीस्पून है। ये है जिंजर पाउडर यानी कि ड्राई सोंठ, इसको सोंठ का पाउडर भी कहते हैं, ड्राइड जिंजर पाउडर, ये 1 टीस्पून है। ये इसमें बहुत अहम इंग्रेडिएंट है और ये जो है वो हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो इसको आप ज़रूर इसमें शामिल कीजिएगा। साथ ही में रेड चिली पाउडर है, ये 1 टीस्पून है। ये भी मेरे पास दरदरी कुटी लाल मिर्च है, ये भी 1 टीस्पून है। ये चाट का मसाला है मेरे पास, ये चाट का मसाला 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे। ये भुना हुआ कुटा हुआ जीरा है, ये भुना हुआ कुटा हुआ जीरा भी इसके अंदर जो है वो 1 टीस्पून शामिल होगा। और ये जो आपको दिख रहा है ये छोटे छोटे दाने, ये है अजवाइन यानी कि कैरम सीड, ये बिल्कुल 1 इंच इसके अंदर शामिल होंगे, ये भी बहुत अच्छे से हाजमे में काम आते हैं। तो ये इसके टोटल स्पाइसेस हैं। अब जब इसको अच्छे से गुड़ जो है वो हमारा मेल्ट हो जाएगा और इमली के पानी को जोश आएगा, फिर हम ये सारे मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे। ठीक है, जितना भी एक्सेसिव डर्ट आ रहा है इसके ऊपर आता जाएगा वो आप हटा लीजिएगा। बेसिकली गुड़ के अंदर जो भी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उसका गंद होता है। देखें कि अब जो है वो पानी को बहुत अच्छे से जोश आ रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त की चटनी है कि आप जो है वो अपनी चाट, किसी भी किस्म के आप चाट बनाएं जो कि हम रमज़ानों में अमूमन बनाते हैं, उसमें आप ये चटनी को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये ख़राब नहीं होगी। और दूसरा फ़ायदा चटनी का ये है कि पकी हुई चटनी है, तो इससे इमली से जो है वो अक्सर लोगों का गला ख़राब हो जाता है, गले को पकड़ लेती है इमली, तो इस जब ये पक जाएगी चटनी हमारी तो ना ये चटनी खुद ख़राब होगी ना ये गले के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जो है वो हमने इस चटनी को बहुत अच्छे से पका लिया। तो बस अब इस पॉइंट पे ये जो तमाम स्पाइसेस मैंने आपको दिखाए थे ये मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ, और स्पाइसेस डालते के साथ इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, बिल्कुल वही ये चटनी है जो कि आपको पतली सी थोड़ी सी चटनी मिलती है। अभी हम इसको कॉर्नफ्लावर की मदद से गाढ़ा करेंगे और फिर जो है वो अपनी चाट वगैरह में जो पापड़ी चाट आपको मिलती है बाजार से, उसके ऊपर जो इमली की चटनी डली हुई होती है खट्टी मीठी, ये वही है। अच्छा जी, अब आप ये देख लें, ये जो है वो चटनी हमारी थोड़ी सी पक चुकी है और अच्छा है, आप इसको अगर पका लें तो आपका गला भी कभी भी जो है वो ख़राब नहीं होगा। अब आप ये देखें, ये कॉर्नफ्लावर की स्लरी है, ये मैं इसमें जो है वो 1/2 टीस्पून शामिल करूँगा और इसको हिलाता जाऊँगा, फिर मैं देखूंगा कितनी मुझे डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी की थिकनेस चाहिए। ठीक है, अभी मैंने 2 टेबलस्पून यानी कि 4 टीस्पून शामिल कर दिए और मैं इसको थोड़ा सा चला रहा हूँ और आप ये देखें कि हल्की सी ये थिकनेस इसने पकड़ ली है। तो ये देखिए जनाब, माशाल्लाह से बिल्कुल डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी की, ये देखें आप इसकी कंसिस्टेंसी चटनी की। और इसमें जो है वो कॉर्नफ्लावर डाल के मैंने साथ साथ में चलाया, मसाले आप पहले शामिल कीजिएगा, बाद में अगर करेंगे तो आप मसालों की फुटकियाँ बन जाएंगी, तो इसी वजह से मसाले जब उबल रहा हो आपका ये मिक्सचर तब आप शामिल कर दीजिएगा। और अब आप इसको ठंडा करके किसी भी स्क्वीज बॉटल में भर के जो है वो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी एक बार स्पून से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, ये कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए आपकी चटनी। देखें, बैक ऑफ द स्पून इस तरीके से कोट हो, ठीक है, बस इस पॉइंट पर आप जो है वो चूल्हा बंद कर दें और आपकी चटनी तैयार है। इसको ठंडा करें और किसी भी स्क्वीज बॉटल में भर के आप अपनी चाट्स वगैरह में इसको इस्तेमाल करें, बेहतरीन सी आपकी है ज़बरदस्त खट्टी मीठी इमली की चटनी बिल्कुल तैयार है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर लौट कराऊंगा किसी तरीके की ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।